मैं कल आया इधर, और जब से आया हूँ ना, माई माइंड इज़ ऑलमोस्ट बस्टिंग आउट विद मेमोरीज, दोज डीड्स, हार्डशिप्स, वो कैसे कठिन समय थे और घड़ी थी. सीधा हेलीकॉप्टर से आया था, राइट इन टू द बैटल, गुरखा राइफल्स, और हम लोग बटालिक सेक्टर में थे. इतना कह दूँ कि हमारे जो गुरखा जवान होते हैं ना, दिलेरी, बहादुरी, उसमें कोई मतलब इक्वल नहीं है. देयर एंड इन माउंटेंस, जहाँ लोगों को चलने में तकलीफ होती है, हमारे जवान जो है लिटरली दौड़ते हैं विद सो मच ऑफ लोड. तो बटालिक में मेरे बटालियन ले, मेरे ऑफिसर्स, मेरे JCOs, मेरे जवान्स ने इतनी बहादुरी से लड़ी उधर. कितने हमने तकलीफ़ें सही हैं वो हमें मालूम है. रोज़ बम्बार्डमेंट, रोज़ मशीन गन फायर, ऐसे दुख तकलीफ में, राशन पानी नहीं, भूखे प्यासे, बिल्कुल आउटसाइड, यू नो, टोटली आउट इन दी नेचर विथ नो शेल्टर, कोई शेल्टर वेल्टर कुछ नहीं. तो ऐसे हालात में भी हम लोगों ने जो है बिल्कुल करेज के साथ और फोकस के साथ अपने ऑब्जेक्टिव पर हमने उन्हें हमला किया. तो इस हमले में, जैसे कि आप सब जानते हैं कि कैप्टन मनोज पांडे को परमवीर चक्र मिला, बहुत सारे लोगों को और भी अवार्ड्स मिले, बट मोर इम्पॉर्टेंट इज, मैं समझता हूँ कि हर जवान जो लड़ाई लड़ा है, दे आर ऑल डिजर्विंग ऑफ मेडल्स. अगर मेरे बस की बात होती तो आई वुड हैव गिवन मेडल्स टू ईच एंड एवरी जवान ऑफ माइन, बिकॉज दे डिड अ ट्रेमेंडस जॉब. एंड फॉर होम दे आर मेकिंग दिस सेक्रीफाइसेस, ये सब लड़ाई, their comfort, their complete life and limb for those people behind them whom they don't even know. तो ये तो संक्षेप में था कि हमने खलुबार रिज को क्लियर किया, उसके बाद पीछे जो वाटरशेड में 5300 को कंप्लीट करके 26 जुलाई को हमने अपनी विक्ट्री साइन दे दी थी और तिरंगा झड़ाया लहराया था उधर. तो उस दिन से हमारा जो है विजय दिवस. अब रही बात इधर आने की, 24 साल के बाद सबसे पहली बार आया हूँ. कारण बहुत सिंपल था, इस टाइम जनरल मलिक आ रहे थे, VP मलिक जो हमारे चीफ थे उस वक्त. मुझे याद है कि वो खलुबार के लड़े लड़के हम जब जंग जीत के वापस आए थे नीचे, तो उन्होंने स्पेशल एक स्कॉच बॉटल विस्की मेरे को दिया था, फॉर अ गुड जॉब डन फॉर द बटालियन, यू नो, द बटालियन इज गुड जॉब डन. एंड ही इज अ ग्रेट मैन, आई हैव मेट हिम, उनके साथ काफ़ी इंटरेक्शंस भी हुए हैं. इज अ गुड चीफ, जिन्होंने अच्छा जो है प्लानिंग करके ये कंप्लीट डिफीट इनटू विक्ट्री कर दिया उन्होंने. अदरवाइज आप पहाड़ियाँ देख रही है इधर कैसे, मतलब वो सोच भी नहीं सकते थे. पाकिस्तानियों ने भी कभी सोचा नहीं था कि ऐसे हो सकता है, लेकिन हमने करके दिखा है. सारी दुनिया जानती है और सारी दुनिया जो है सैल्यूट करती है कि इंडियन आर्मी को हाईएस्ट बैटल फील्ड इन द वर्ल्ड में ऐसे इन्होंने पराक्रम किए. देन उसके बाद उनके जो बेटा हैं सुपुत्र, वो अभी GOC ADF है. मेरी बटालियन जिसमें मैं फर्स्ट कमीशन हुआ था 711 GR, वो बटालियन इधर है. तो ये तीन सॉलिड रीजंस हैं. एज फार एज मेमोरीज आर कंसर्न, वो तो हमेशा दिल में है अपना, कोई स्पेशल डे के लिए ज़रूरत नहीं है. हम तो रोज़ याद करते हैं अपने लड़कों को, क्योंकि जो बॉन्डिंग थी हमारे ट्रूप्स के साथ वो सब याद करते हैं. अभी तक मेरे को जो है रात रात को कभी कभी सपने में मैं उठ जाता हूँ और वो मेरे को सीन दिखाई देती है कि मैं लड़ाई में जा रहा हूँ और तकलीफें, बम्बार्डमेंट हो रही है, और यू नो, यू आर स्वेटिंग फ्रॉम द नेप ऑफ योर नेक थिंकिंग अबाउट इट. सो ट्रेमेंडस फीलिंग व्हेन आई कम बैक हियर, तो सारी मेमोरीज जो है वो एकदम फ्लडिंग बैक वापस आ गई दिमाग में. और अभी यहाँ मिला हूँ मैं वैसे ऑफिसर्स, सोल्जर्स, JCOs, जो जिन्होंने कंधे से कंधे मिला के हमारे बाजू हुए एरिया में, सेक्टर्स में, उन्होंने भी लड़ाई लड़ी, उन्होंने भी बहुत अच्छा जो है काम किया, बहुत ही करेजियस उन्होंने काम किया, अच्छे विक्ट्रीज मिले. तो उन सबको मिल के भी थोड़ा बहुत मतलब अच्छा लगा. देन वीर नारीज को मिले, उनके जो हैं उनको जाके उनके साथ बात करने में बहुत दिल में सुकून और आनंद मिला थोड़ा. तो इट्स अ ट्रेमेंडस फीलिंग बट ऑल्सो इमोशनल. प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट वी आर लॉस्ट लॉट ऑफ बॉयज. विक्ट्री तो मिली है, लेकिन एट वॉट कॉस्ट, यू नो, दैट्स द थिंग. यू नो, खुकरी के बारे में ये है कि अ गोरखा सोल्जर और खुकरी जो है ना, वो एक ही हैं, वो अलग दो चीज़ें नहीं हैं. खुकरी के साथ ही हम जाते हैं, सोते भी खुकरी के साथ है, और जब हथियारों में कभी कभी रोक लग के रुक भी जाता है, लेकिन खुकरी कभी नहीं रुकता. जब तक सांस है, जब तक एक कतरा बूंद पानी खून का है अपने शरीर में, खुकरी जिंदाबाद है.
तो बहुत सारे ऐसे मौके आए जब हम ऊपर चार्ज कर रहे थे तो खुकरी का अच्छा इस्तेमाल किया था, आपको मालूम है, मैं नहीं कहना चाहता उसमें, बट काफ़ी अलग करके हम लोगों ने वहाँ जीत हासिल की है। और वो पठानों ने भी जब देखा कि हमारे गोरखे जवान छलांग मार मार के ये हालत कर रहे हैं, उन्होंने अपने मशीन गन सब छोड़ के वो भाग भी गए उधर। और वो 6 फुट प्लस, हमारे लड़के 5 फुट प्लस, फिर भी देखो हौसला कितना है, हौसला बुलंद। सो इट इज़ नॉट द फिजिकल स्टेचर, इट इज़ द हौसला, एंड द हौसला ऑफ अ गोरखा सोल्जर विद अ खुकरी अनबीटेबल, अनमैचेबल।